देखिए, अगर इस प्रकार आपने नाम जप कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लगेंगे। आखिरकार किस प्रकार? देखिए, काफ़ी भक्तजन ऐसे होते हैं जो निरंतरता से अपने नाम जप की ओर लगे रहते हैं। अन्य सभी कार्य करते हुए भीतर ही भीतर प्रभु का सुमरण करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं। अब लगातार किस प्रकार से हो और ऐसे किस प्रकार से हो कि हमको तुरंत फल मिल जाए, ये कैसे संभव है? देखिए, गुरु महात्माओं की वाणी है, जिस किसी में भी जो भक्त जिस चीज़ में श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है, तो उसका कार्य जल्दी सफल हो जाता है। और आपकी निष्ठा इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि बहुत ही दृढ़ और अटूट होनी चाहिए किसी के भी प्रति। जैसे कि आपने जैसे कि मान के चलिए आप कोई सफ़र पे निकल रहे हैं और पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, ये वहाँ तक तो पहुँच जाएगी गाड़ी, इतना तो पेट्रोल है। तो आप में ये जो विश्वास आ रहा है, ये निष्ठा आ रही है एक तरह की उस वाहन को लेकर और आप में लेकर, कि हाँ, कम होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हाँ, वहाँ तक तो ज़रूर पहुँच जाएंगे। अब क्या पता वो बीच में ही ख़त्म हो जाए। या तो ये निष्ठा आप में इस प्रकार की प्रभु के प्रति लानी पड़ेगी, इस तरह का विश्वास होना है। भले अंतिम छोर तक क्यों ना आपकी सांस अटक क्यों ना जाए, कोई सामने मृत्यु भी आके क्यों नहीं खड़ी हो जाए, फिर भी आप उस प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, ऐसी निष्ठा होनी बहुत जरूरी। ऐसी निष्ठा, ऐसा तत्पर होकर सेवा करना बहुत ही कम लोग हो गए। और ऐसे लोग हैं जो बहुत दुर्लभ है मिलना। इसलिए आप तत्पर होकर अपने नाम जप को करेंगे तो एक दिन ऐसा आने लगेगा कि आपको फल देने को तैयार है प्रभु, लेकिन आप उस समय उस चीज की ओर आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि आप उस आनंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप फिर उस चीज की आशा नहीं करेंगे, निरंतरता से उस प्रभु का नाम स्मरण कर जाएंगे, नाम लेते जाएंगे। अब देखिए, एक आदि उदाहरण मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में कि किस प्रकार से नाम जप हो। देखिए, जो कहा जाता है कि निरंतरता से नाम जप करना, निरंतरता क्या होता है? देखिए, निरंतरता या फिर आप छोटे छोटे समय में लाना शुरू करें और लगातार आप 12 घंटे 24 घंटे इसको निरंतर करना, कहना आसान हो सकता है, करना बहुत मुश्किल है। कि आपने अपने आप को प्रतिबंधित कर लिया कुछ समय के लिए, प्रतिबंधित करना कि जैसे कि इस समय आपका नौकरी का समय हो गया, एक तरह से ये कार्य करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, जैसे कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी 1 घंटा, कोई 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, कोई 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, इस प्रकार को आपको प्रतिबंधित करना पड़ेगा स्वयं को कि 4 बजे मैं उठता हूँ, 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे ये मेरा नाम जप का समय है, और इस समय मैं केवल नाम जप ही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हर रोज़ होना अनिवार्य कर ले, क्योंकि धीरे धीरे जो समय निकला जा रहा है, उस समय का आप ना तो आप कुछ कह सकते हैं, ना तो प्रभु कुछ आपको बता सकता है कि आने वाला समय किस प्रकार का हो। इसलिए इस चीज़ को अगर प्रतिबंधित करेंगे तो धीरे धीरे निरंतरता आने लगेगी। अब सोचिए, आप निरंतर अगर इसी चीज़ को निरंतर करना लग रहे हैं, जैसे 1 घंटे का समय या फिर 1/2 घंटे का भी समय आप रोज़ देते हैं, तो इस चीज़ को आप निरंतर कर ले कि हर रोज़ आपको निरंतरता से करना है कि आज सोमवार मैंने किया, मंगलवार को भी किया, बुधवार को भी किया, शुक्र शनि रवि, वापस सोमवार आ गया। इस प्रकार आपको निरंतरता से एक चक्र बनाना है जो वो कंटिन्यू घूमता रहे, जिस प्रकार से सूर्य कभी उदय होना नहीं भूलता, कभी अस्त होना नहीं भूलता, उसी प्रकार से ये प्रक्रिया आपके भीतर होना चाहिए। इतनी दृढ़ निष्ठा और अटूट विश्वास उस पर प्रभु पर रखें।
फिर धीरे धीरे आप उसी चीज में आप अपना समय बढ़ाने लगे, है ना। जैसे कि आपने घंटा भर किया, आज 1.5 घंटा करेंगे, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, इस प्रकार से धीरे धीरे आपका जो आत्मबल, आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ होने लगेगी, उसमें यानी सुदृढ़ उनको शक्ति मिलने लगेगी, प्रबल होने लगेगी भीतर ही भीतर। तो ये इस प्रकार आपके अंदर का जो गुण ये बढ़ता जाएगा। फिर साधक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कुछ अवस्था के पश्चात कि अगर कहा जाए कि हाँ ये इस चीज़ के बदले में ये देना चाहता हूँ, तो आप वह चीज़ इनकार कर देंगे, क्योंकि इस चीज़ के सामने, इस नाम जप के सामने बाकी सब वस्तुएं तुच्छ है मान के चली, कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए इस चीज़ का सुदृढ़ता से विश्वास करके प्रभु पर एक बार निष्ठापूर्वक उसका सुमरण कर ले तो आपके धीरे धीरे हर कार्य बनने लगेंगे, हर कार्य धीरे धीरे इतने तेजी से होने लगेंगे, तो आप सोचने लग जाएंगे कि नहीं यार प्रभु का सहयोग भरपूर है हर कार्य में, आपके लिए चमत्कार भी होने लगेंगे आपके जीवन में कि नहीं हाँ आप करते नहीं है लेकिन प्रभु स्वयं आगे होकर वो कार्य कर जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से भीतर ही भीतर कुछ चमत्कार ऐसे होने लगेंगे निरंतरता से, और किसी भी प्रभु के सुमरण में जप में कमी बिल्कुल ना रखें। ये एक तरह का आप पहले तो दृढ़ विश्वास इस चीज का बनाए। जैसे सबसे बड़ा तो संकल्प ऐसा होता है कि तुरंत आप देखते हैं कि 24 घंटे कोई नाम जप निरंतरता से हो जाए तो वो चीज करना लगभग लगभग संभव नहीं होता है, असंभव भी नहीं है, लेकिन संभव एक ही दिन में, महीने भर में, 2 महीने में तो असंभव नहीं। देखिए महान तपस्वियों की, साधु की इसमें उम्र निकल जाती है, लेकिन आप गृहस्थी है, हम गृहस्थी है, उसके लिए कि समय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हाँ उस समय आपका इस समय ये कार्य होना चाहिए, इस समय ऑफिस का होना चाहिए, इस समय घर के बच्चों बच्ची के लिए, और इस समय ये प्रभु को देना ही चाहिए। इस प्रकार गृहस्थी में तो समय व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। समय व्यवस्था बना के फिर अपना समय, कुछ समय ऐसा निकाले जो प्रभु के लिए ही हो, और किसी भी संसाधन के लिए ना रखे, किसी भी संसाधन के, ना अपने मन के लिए रखे, ना अपनी बुद्धि के लिए रखे, ना अपने उन्नति के लिए रखे, अपने लिए बिल्कुल भी समय मत रखे। केवल रखे तो उस प्रभु के लिए रखे वो समय, भले आप 5 मिनट दो, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा, घंटा भर, 2 घंटे, कुछ भी, लेकिन केवल और केवल उस प्रभु के नाम समय, और किसी को भी नहीं देना, ना तो अपने अंतर्मन को देना है, ना अपने कार्यों को, ना किसी को भी नहीं। ये समय पर एक तरह से आप इसको प्रतिबंधित कर दे इस समय के लिए अपने आप, तब जाके धीरे धीरे आप में जो विश्वास आएगा, आत्मबल बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी नाम जप के प्रति, तो धीरे धीरे आप उस अवस्था में जाने लगेंगे कि आप स्वयं सोचने लगेंगे कि हाँ इतना कुछ सुधार हो गया कि क्या मेरा जीवन था, और आज समय ऐसा है कि आज क्या समय क्या हो। धीरे धीरे इस कार्य, इस मार्ग में प्रगति करने लगेंगे तो बहुत अच्छी आप में एक तरह से मान के चलिए बहुत ही अच्छा विकास होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।